अगर आप पीएलसी, एचएमआई, सर्वो और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ढेर सारा नॉलेज चाहते हैं तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश महमूद और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके ज़रिए आप घर बैठे जो है पीएलसी की लैडर लॉजिक के अंदर प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक मैंने यूट्यूब पे कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं देखा जो इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो है वो बता रहा हो। कुछ वीडियोज़ मेरी नज़र के सामने से गुजरी, लेकिन ना वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर थी, ना वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर थी, ना ही वो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थी। तो बहुत ही जो है बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर बेसिकली है क्या कि सिमुलेशंस बनी हुई हैं। तो सिमुलेशंस जो है उसकी प्रोग्रामिंग हमने बनानी है, तो अगर हम बिल्कुल ठीक प्रोग्राम बनाएंगे तो सिमुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से रन करेगी। लेकिन अगर जो है उस सिमुलेशन का प्रोग्राम हम ठीक तरह से नहीं बनाते तो क्या होगा, सिमुलेशन जो है वो ठीक तरीके से रन नहीं करेगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी मशीन या प्लांट का प्रोग्राम ठीक ना हो तो वो ठीक तरीके से वर्किंग नहीं करता, उसमें जो है वो एरर्स आते हैं। तो उन एरर्स को हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर तब्दीली करके जो है उसको ठीक करते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर जो है वो सिमुलेशन का प्रोग्राम ठीक बना हुआ है तो क्या होगा, मशीन जो है या सिमुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगी। लेकिन अगर प्रोग्राम ठीक नहीं बनाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर जो है वो तब्दीलियां करनी पड़ेगी। तो तब्दीलियां करके हम सिमुलेशन को जो है वो ठीक तरह से जो है वो चलाएंगे। तो इस तरह से हमें आइडिया हो जाएगा कि किसी भी मशीन या प्लांट का प्रोग्राम हम किस तरह से बनाएं या किस तरह से हम प्रोग्राम को जो है वो डिज़ाइन करें तो मशीन जो है वो ठीक करे चलेगी। तो इस तरह से सिमुलेशन से हमें जो है प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प होगी। और जब हम किसी प्लांट या मशीन का प्रोग्राम करने लगेंगे तो मशीन या प्लांट का प्रोग्राम करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो बिगिनर्स के लिए असल में जो पीएलसी से जो है वो बिल्कुल भी वाकफ नहीं है, जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और पीएलसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और पीएलसी जो है वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही मुफीद होने वाला है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम जो है वो FX ट्रेनर है और ये बेसिकली मिट्सुबिशी पीएलसी का सॉफ्टवेयर है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसको जब हमने ओपन करना है तो शुरू में ये स्टार्ट का बटन आएगा, तो आपने इसको प्रेस कर देना है। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आपने कुछ नहीं देना, बल्कि आपने क्या करना है, इसको स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट करने से आपको क्या होगा, सबसे ऊपर जो है आपको ये एक जो है वो लिस्ट मिलेगी। तो ये असल में क्या, यहाँ पे मुख्य चैलेंजेस हैं, ठीक है जी। लेट्स लर्न द FX सीरीज PLC, तो अभी हमने ये फाइल खोली हुई है। उसके बाद बी में क्या है, लेट्स स्टडी द बेसिक्स, ईजी डज, उसके बाद बिगनर चैलेंजेस, उसके बाद इंटरमीडिएट चैलेंजेस और मज़ीद जो है आप एडवांस चैलेंजेस। तो ये असल में मुख्य चैलेंजेस हैं जिनके अंदर जो है वो मुख्य सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सिमुलेशंस पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक सिमुलेशन है और इस सिमुलेशन के बारे में जो है यहाँ पे अगर हम बुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स बने हुए हैं। इस बुक के अंदर इस लिखा हुआ है कि हमने जो है परफॉर्म क्या करवाना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो एडिट लेटर लिखा हुआ है जिसके ऊपर मेरा कर्सर घूम रहा है, एडिट लेटर पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे ये जो प्रोग्रामिंग एरिया है हम यहाँ पे प्रोग्राम को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये पैनल हमें नज़र आ रहा है, तो पैनल के अंदर आप देख सकते हैं 4 LED लाइट्स लगी हुई हैं जो कि PLC की Y20, Y21, Y22, Y23 आउटपुट्स पे लगी हुई हैं। इसी तरह 2 सिलेक्टर स्विच लगे हुए हैं जिसमें से एक X24 पे लगा है, दूसरा X25 पे लगा हुआ है। 4 पुश बटन्स लगे हुए हैं जो कि X20, X21, X22 और X23 पे लगे हुए हैं। इसी तरह हमें पता है कि हम जब भी जो है PLC को जो है वो देखते हैं तो उसके ऊपर जो है वो इंडिकेटर लगे होते हैं, इनपुट्स के भी इंडिकेटर होते हैं, आउटपुट के भी इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो इंडिकेटर्स जो हैं वो बने हुए हैं, इन एक्स यानी कि इनपुट के इंडिकेटर्स। तो जो भी इनपुट ऑन होगी 0, 1, 2, 3, 4 तो उसका इंडिकेटर जो है वो रेड हो जाएगा। इसी तरह आउटपुट साइड के भी ये इंडिकेटर बने हुए हैं, तो कोई भी आउटपुट जब ऑन होगी 0, 1, 2, 3 इनमें से कोई भी आउटपुट ऑन होगी
तो उसका इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इनपुट या कौन सी आउटपुट जो है वो ऑन हो रही है। मज़ीद उसने इसके ऊपर लिखा होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो किस पे लगी है। तो मेन पे वापस चलते हैं, तो लेट्स, तो इसको हम जो है लेट्स द लर्न एफ एक्स सीरीज पी एल सी इस पर चलते हैं। तो यहाँ पे उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि बेसिकली पी एल सी है क्या, तो वो बता रहा है कि अगर पी एल सी नहीं लगी हुई तो क्या होगा, हमें मैनुअली काम करना पड़ेगा। एक इंसान जो है वो गाड़ी लेकर आया है, गाड़ी से उतर कर उसको जो है वो डोर ओपन करना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर वो गाड़ी पार्क कर रहा है, और उसके बाद उसको डोर जो है वो क्लोज़ करना पड़ रहा है। तो अगर पी एल सी लगा हो, तो पी एल सी लगा होगा तो फिर क्या होगा, ये सारा काम ऑटोमेटेड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, दरवाज़ा खुलेगा, गाड़ी जो है उसके अंदर से गुजरेगी, और उसके बाद दरवाज़ा जो है वो खुद बहुत बंद हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो मज़ीद जो है उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पी एल सी की जो इनपुट्स हैं वो क्या होती हैं, वो पुश बटन या कोई जो है लिमिट स्विच या कोई सिंगल पोल स्विच हो सकता है। इसी तरह आउटपुट्स जो है वो कोई मोटर या कन्वेयर या जो है कोई भी वाल्व हो सकता है। तो उसने जो है वो दिया हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर को जो है वो डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद जो है इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम बनाना सीखें। मैं भी आपकी हेल्प जो है वो करता रहूँगा। अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो इसका कोई ना कोई सिमुलेशन बनाएंगे। इसकी जो A3 सिमुलेशन है इसको हम बनाएंगे, जिसके अंदर जो है एक Y0 पे जो है एक रोबोटिक आर्म लगी हुई है, उसके बाद पुशर लगा हुआ है Y2 पर, कन्वेयर Y1 पे लगा हुआ है, एक सेंसर है, फोटो सेंसर आप देख सकते हैं, ये X0 पे लगा हुआ है। तो इसको सारे को कैसे परफॉर्म करना है इसकी मैं हेल्प आपको करूँगा। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको डाउनलोड करके इसको जो है वो सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।